स्कर्दू के तालाबों में दम तोड़ती रेम्बो ट्राउट मछलियाँ। न्यूरंगा के इस इलाके के निजी फार्म्स मकामी लोगों के लिए कमाई का जरिया थे, लेकिन कुछ अरसे से मछलियों की बका खतरे में है और फार्मर परेशान हैं। शकील अहमद 12 साल से ट्राउट की फार्मिंग करते आए हैं, लेकिन इस साल ट्राउट की अफजाइश उनके लिए एक चैलेंज बन गई। अब आप देखें, हम इधर जोगीदारी कर रहे हैं कि पता नहीं कब मर जाएगा ये, और जनरेटर हर 3 घंटे बाद जनरेटर चला रहे हैं इसमें, तो इसको ऑक्सीजन वो बनाने के लिए काफ़ी कोशिश करना पड़ता है, मेहनत कर रहे हैं। इंदर के बाद में खुराक डाल के गोश्त तो कम से कम लोगों को मिल जाए, कोई ऐसे ही भी देते 400-500 हज़ार तक देते कि मरने के उस पर मर जाते हैं कहकर, हमारे पास ये हम कोशिश कर रहे कि बच जाएँ। माहरीन के मुताबिक ट्राउट मछली को अफजाइश के लिए एक ख़ास टेम्परेचर और साफ पानी की ज़रूरत होती है। अगर तालाबों से वक्त पर गंदा पानी ना निकाला जाए तो फिर मछलियाँ मरने लगती हैं। फातिमा बीबी के इस तालाब में 300 के करीब फिश सीड्स मौजूद हैं, लेकिन उनको डर है कि ये मछलियाँ तैयार होने से पहले ही मर जाएंगी। इस साल पानी का लेवल बहुत नीचे चला गया, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। मछलियाँ मरने लगी हैं। अब हम इनको जिंदा रखने के लिए मोटर से पानी को फिल्टर कर रहे हैं। स्कर्दू के इन इलाकों को ताज़ा पानी की फरामी सतपारा डैम से होती है। माहरीन का कहना है कि ग्लेशियर पिघलने के औकात में तब्दीली पानी की किल्लत का सबब बन रही है। इलाके में जेर ज़मीं पानी की सतह भी नीचे जा रही है। पानी की कमी के बायस कहीं ट्राउट की अफजाइश नहीं हो पाती, तो कहीं मछलियां ऑक्सीजन की कमी के बायस वक्त से पहले ही दम तोड़ रही हैं। आज से 2-3 साल हो गया है ये पानी का मसला शुरू हो गया है, तो इस साल हर साल की नस्बत बहुत ज़्यादा पानी की शॉर्टेज आ रहा है। हमारे ये टैंक की जो डेप्थ है, गहराई है, 3-4 फुट होता था, अभी इसमें से तकरीबन 2.5 फुट का पानी ख़त्म है, और 2.5 फुट हमारे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से 2 फुट का पानी रहता है। मौसमियाती तब्दीलियाँ मुल्क के हर हिस्से को ही मुतासर कर रही हैं। स्कर्दू में भी इसके असरात वाज़े हैं और लोगों के रोज़गार को नुकसान पहुँचा रहे हैं। फिलहाल इन फार्मर्स का कहना है कि डैम से पानी की फरामी हो जाए तो उनका रोज़गार बच सकता है।